हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या 2023 शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास होती है, इसलिए इस दिन पितृ दोष दूर करने के लिए किए गए उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर इस साल हरियाली अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को है। दोस्तों, सोमवार की अमावस्या सोमवती अमावस्या होती है, ऐसा संयोग बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या 2023 शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। अमावस्या तिथि शुभ मुहूर्त। दोस्तों, सावन कृष्ण अमावस्या तिथि 16 जुलाई को रात 10:08 से शुरू होगी और 17 जुलाई को सुबह 12:01 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर इस बार हरियाली अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, 17 जुलाई की अमावस्या सोमवती अमावस्या होगी, साथ ही इस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि स्नान दान पूजा पाठ और पितरों से संबंधित कार्यों के लिए उत्तम होगा। आइए जान लेते हैं अमावस्या विधि के बारे में। दोस्तों, अमावस्या के दिन व्रत रखने के साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व कथा सुने। इस दिन पवित्र नदी में या गंगा जल मिले जल से स्नान कर सभी देवों की पूजा करें और पितरों के निमित्त तर्पण व दान करें। दोस्तों, विशेषकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव का ध्यान व पूजा करें। पूजा के बाद पीपल के वृक्ष पर मीठे जल का अर्घ दें और वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें। दोस्तों, अमावस्या पर शनि देव के निमित्त पूजा व दान करने से शनि ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं। अमावस्या की शाम सूर्यास्त के बाद तुलसी पूजन करें, पीपल पूजा में न करें ये गलती। दोस्तों, रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना निषेध होता है। ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को काटना या उसकी टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, जो शुभ कर्म है, लेकिन मंदिर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल न चढ़ाएं। दोस्तों, क्योंकि उस समय पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद ही पीपल पूजन करें, इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या उपाय के बारे में। दोस्तों, पितृ दोष निवारण के लिए सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान और दान करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भोजन का एक हिस्सा कौवे और गाय को जरूर खिलाएं। दोस्तों, अंत में पितरों को नमन कर उनका आशीर्वाद लें। इस उपाय से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या को सूर्यास्त के समय घर के मंदिर में एक दीपक गाय के घी का जलाने से घर में धन वृद्धि होती है। दोस्तों, अमावस्या को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति व समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे पितृ दोष निवारण, विवाह, नौकरी और सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सावन मास अमावस्या की रात घर की छत पर एक दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, अमावस्या की रात को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक दीपक घी का जलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन शिव गौरा का पूजन करें और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए चांदी के नाग नागिन की पूजा कर उसे किसी पवित्र नदी या शिवलिंग पर अर्पित कर दें। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।